मैं कलयुग पे क्या करने आ गया हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जब इतिहास शुरू हो रहा था तब हमारे पास कोई राजा नहीं था, हम ऐसे ही झुंड में घूम रहे थे। फिर हमने एक मुखिया चुना, फिर उसको अपग्रेड करके ज़मींदार बनाया, फिर उसको अपग्रेड करके राजा बनाया, फिर हमने एक डेमोक्रेट को चुना, और डेमोक्रेट से कभी कभी काम नहीं चला तो डिक्टेटर को चुना, और फिर बीच में आजकल डेमोक्टेटर है। डेमोक्टेटर वो होता है जो लगता है कि चुन के आ रहा है, हर चीज़ को ऐसे सेटअप कर देता है। जैसे हम बड़े भारी साहित्यकार हुए हैं, आप लोग सुनने आए हैं मुझे, तो डेमोक्टेटर आ गया है एक नया, तो चुनाव से चुना जाता है और बाद में जनता की वो ऐसी हालत कर देता है कि जनता को यकीन नहीं होता कि हमने इसको चुना। इलेक्शन के बाद डेमोक्रेटर जो है वो तय करता अकेला कि अब आपको क्या क्या करना है। वो डिसाइड करता है नहाना कब है, खाना कब है, और गिफ्ट में क्या क्या देना है। किताबें ना दें, फूल ना दें, तौलिया दें, रुमाल दें, तो ये सब एक नया नए तरह का एक सांस्कृतिक कार्यक्रम चलता है। और वो फिर जनता पे नज़र रखना शुरू करता है। ये कलयुग के कुछ बेस्ट पार्ट बता रहा हूँ। जैसे आपका पैदा हो जाना ही आपका होना नहीं है, मतलब पैन नंबर भी होना चाहिए आपके पास, GST नंबर भी होना चाहिए, आधार नंबर भी होना चाहिए, है ना, IP नंबर होना चाहिए, वोटर नंबर होना चाहिए, मोबाइल नंबर तो होगा ही होगा, भले कॉल ड्रॉप हो जाए लेकिन मोबाइल नंबर तो होगा ही होगा। हम सबको एक नंबर में बदलना है। देखिए नंबर क्या है, नंबर मतलब उस भीड़ का एक नया नाम है। कहा गया कि भीड़ और भेड़ नहीं बनना है, नंबर आपको भेड़ बनाने की प्रक्रिया है। सब चीज़ का नंबर, जिसको आपको लगता है कि हाँ हमारी सिक्योरिटी के लिए नंबर बहुत ज़रूरी है सरकार को, जिसमें आप विरोध नहीं करते हैं, सवाल नहीं करते हैं, सोचते नहीं हैं, कहीं भी एक आधार कार्ड लेके लोग घूम रहा होता है, तो ये जो हालत है इसको आप समझिए। यही नंबरिंग की प्रक्रिया टेलीविज़न के ज़रिए की जा रही है कि आपकी डाइवर्सिटी ख़त्म करके एक नंबर इज़ इक्वल टू 1 आइडियोलॉजी इज़ इक्वल टू 1 नेता। बाकी सारे नेताओं का मजाक उड़ता है, बाकी सारी सवालों का मजाक उड़ता है। तो डेमोक्रेसी में एक तरह से ये नंबरिंग की एक प्रक्रिया चल रही है दूसरे तरीके से, और इसका नुकसान आपको दिखेगा, लेकिन फिर भी अच्छी बात यह है कि ज़िंदगी जो है नए नए तरह के देवता लोग लॉन्च हो जाते हैं आजकल, जैसे मैं बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जनता जो है वो पंचर कर देती है थोड़े थोड़े समय में। बहुत सारे नेताओं को जो दावा करते हैं कि वो देवता बन गए हैं, उनको लोगों ने पंचर किया है, तो हमें लोगों पे विश्वास करना चाहिए। एक ही चीज़ है कि हमारे आज के समय में कोई स्टैंडर्ड नहीं है, आप कोई भी स्टैंडर्ड बनाने का प्रयास करेंगे उसको ध्वस्त कर दिया जाएगा, उसको गिरा दिया जाएगा, तुरंत चले आएंगे कहेंगे कि ये रोड शो हुआ है, गलत हुआ है। तो कोई तवलीन सिंह बोलेंगे कि MS गिल को राज्यसभा कांग्रेस ने बनाया, तो ये रोड शो गलत हुआ है, उससे क्या लेना देना है, ये गलत हुआ है सही हुआ इसकी बात बताओ, फिर उसके बाद में तुलना कर लेंगे। क्या आप कह रहे हैं कि दोनों सही हुआ है, या आप कह रहे हैं दोनों गलत हुआ है, तो साफ साफ बोलो ये भी गलत हुआ है वो भी गलत हुआ है। तो ये इज इक्वल टू की थ्योरी हो रही है, ये भी नंबरिंग है। सबको एक जैसा बना दो, हर सवाल को एक जैसा बना दो। आप बोलो आज गर्मी लग रही है, हाँ तो 2014 के पहले भी गर्मी लगती थी। तो सबकी सारे सवाल सारे जवाब की एक नंबरिंग हो रही है, हर सवाल को एक ही पैटर्न में। आप कोई सवाल पूछिए, चार प्रवक्ता आ जाते, उस सवाल का जवाब नहीं देते हैं, वो बकना शुरू कर देते हैं, वो पूरा गूगल करके लेके आएंगे और वो बताएंगे देखिए 83 में उन्होंने ऐसा किया, 93 में उन्होंने ऐसा किया, 2017 में हम ऐसा कर रहे हैं। तो ये नंबरिंग है लॉजिक का, रीज़न का, और क्वेश्चन का और आंसर का। कहीं कोई डाइवर्सिटी नहीं है, लेकिन फिर भी जनता पे आप भरोसा रखना चाहिए कि वो जानता है, जनता को पता है उसे, जानती है वो कि जो ये कलयुग है वो उसका युग है, वो डेमोक्रेटिक युग है कलयुग जिसको हम बोलते हैं। नहीं तो वो किसी सामंतों के नीचे दब रही होती, कुचली जा रही होती, किसी तानाशाह, किसी राजा, किसी बादशाह, किसी अंग्रेज़ी हुकूमत के नीचे कुचली जा रही होती। तो उसने अपनी आवाज़ की जगह मांगी कि जो बातें देवता बोल सकते हैं, जो नैतिकता